हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं बूंदी के लड्डू। तो देख लेते हैं इसके लिए जो सामग्री लगेगी। यहाँ पर मैंने 2 कटोरी बेसन लिया है, 2 कटोरी शक्कर लिया है, 1 चम्मच इलायची पाउडर, थोड़े से ड्राई फ्रूट लिए हैं, इन्हें बारीक बारीक टुकड़ों में कट कर लिया है, ऑरेंज फूड कलर लिया है। सबसे पहले हम बूंदी तैयार कर लेते हैं। इसके लिए 2 कटोरी बेसन ले लेंगे एक बाउल में, उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका गाढ़ा घोल तैयार कर लेंगे। इसमें लम्स बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए, इसके लिए पहले गाढ़ा घोल तैयार करेंगे, बाद में इसमें और पानी डालेंगे। अब इस घोल को हमें अच्छे से फैट कर लेना है। बैटर अच्छे से मिक्स हो गया है, इसमें एक भी लम्स नहीं है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे थोड़ा और पतला करेंगे। हमें बूंदी के लिए इतना पतला बैटर चाहिए। 2 कटोरी बेसन के लिए मुझे 1.5 कटोरी पानी लगा है। अब हम बूंदी बनाकर तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने ये झारा लिया है, आप इसकी जगह छलनी या फिर बारीक झारे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कढ़ाई में घी गरम कर लेंगे, मैंने यहाँ देसी घी का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो तेल या डालडा घी भी ले सकते हैं। पहले घी को गरम कर लेंगे, उसके बाद गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे। इस तरह से झारे को घी पर रखकर बैटर को इस तरह चारों तरफ से डालेंगे। और झारे को ऐसे घुमाते जाएंगे। बूंदियों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। लड्डू बनाने के लिए अगर आप देसी घी का इस्तेमाल करते हैं तो लड्डू बहुत ज्यादा टेस्टी बनेंगे। बूंदी अच्छे से फ्राई हो गई है, अब हम इसे निकाल लेते हैं। लड्डुओं के लिए चाशनी तैयार कर लेते हैं। गैस पर कढ़ाई रख देंगे, उसमें 2 कटोरी शक्कर और 2 कटोरी पानी डालेंगे। जिस कटोरी से हमने बेसन को माप कर लिया है उसी कटोरी से शक्कर और उसी कटोरी से पानी माप कर लेंगे। शक्कर को अच्छे से घुलने देंगे। इसके लिए हमें गाढ़ी चाशनी नहीं बनाना है, सिर्फ शक्कर के घुलने तक इसका इंतजार करना है। चाशनी में अच्छे से उबाल आ गया है, इसमें 1 चम्मच इलायची पाउडर और 1 चुटकी ऑरेंज फूड कलर डाल देंगे। इसे 5 से 10 मिनट तक और बॉईल होने देंगे। चाशनी अच्छे से तैयार हो गई है, अब हम इसमें बूंदी डाल देंगे। गैस को हमें बंद कर देना है। बूंदी को अच्छे से चाशनी के साथ मिक्स कर लेंगे। गैस को वापस से चालू करेंगे और चाशनी के साथ बूंदी को 5 से 10 मिनट तक पका लेंगे। मिनट बूंदी को हमने अच्छे से चाशनी में बॉईल कर लिया है, इसमें ड्राई फ्रूट डाल देंगे। अब इसे ढककर 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे ताकि बूंदी चाशनी अच्छे से सोख ले।